हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशी शर्मा फ्रॉम मानसा। वेलकम बैक माय चैनल खुशी ब्यूटी रूम। जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्ट नॉलेज की स्टडी करी थी, इसी के हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं प्रोडक्ट नॉलेज की, हेयर नेल एक्सटेंशन। मैं आपको दोबारा रिपीट करवाती हूँ, नेल प्रिपरेशन, नेल बिल्डिंग, नेल आर्ट। हमारा नेल प्रिपरेशन कल कंप्लीट हो चुका है। हम उसमें वीडियोस में हमने बताया कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं, क्या करते हैं हम, ये चीज़ हमारी नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो में बताया। अगर नहीं किसी ने देखी तो लास्ट वीडियो हमारी 5 क्लास चेक कर सकता है। और आज हम करेंगे नेल बिल्डर। इसके सिस्टम्स होते हैं, 5 टाइप्स के सिस्टम होते हैं। मैं आपको वो लिख कर दिखाऊंगी कौन से सिस्टम हैं और उसके बारे में वन बाय वन सिस्टम में बताऊंगी मैं। फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम में कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं, तो आज हम करेंगे नेल बिल्डिंग के लिए। सो ये है हमारी नेल बिल्डिंग। ये सिस्टम्स आते हैं हमारे नेल सिस्टम्स, 5 टाइप के हमारे नेल सिस्टम्स होते हैं। जेल नेल सिस्टम, एक्रेलिक नेल सिस्टम, पॉलीजेल नेल सिस्टम, डीपिंग नेल सिस्टम, टेक एंड प्रेस ऑन नेल सिस्टम। जैसे मैंने आपको आई थिंक 3rd या 4th क्लास में बताया था हमारे नेल एक्सटेंशन कितने तरह के होते हैं, वैसे ही नेल सिस्टम्स हैं हमारे। सो हम ये वन बाय वन करके आपको इसकी नॉलेज देंगे। सबसे पहले हम करेंगे जेल नेल सिस्टम करेंगे आज। इसमें कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं, वो प्रोडक्ट होते कौन से हैं, दिखने में कैसे दिखते हैं वो, आज हम जेल नेल सिस्टम करेंगे। और ये सिस्टम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, थ्योरी लिख सकते हो आप। बाकी मैं आपको नॉलेज के लिए बताऊंगी। हम वीडियोस देखते हैं, वीडियोस में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट जो हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उससे हमारी प्रैक्टिस एक नेल आर्ट नहीं बन सकती जब तक हम एक प्रैक्टिस नहीं करते। सो क्लासेस लगानी वेरी इंपॉर्टेंट, एक अच्छे टीचर के पास आप प्रैक्टिस भी जरूर करो, स्टडी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस की भी नीड है और एक नेल आर्टिस्ट बनने के लिए। आज हम करेंगे नेल जेल नेल सिस्टम। ये है हमारा नेल बिल्डिंग में जेल नेल एक्सटेंशन सिस्टम के प्रोडक्ट्स, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए। जेल नेल एक्सटेंशन करने के लिए हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। नेल प्रिपरेशन के लिए उससे पहले, बिल्डर यूज करने से पहले मैंने आपको बता दिया हमारी लास्ट वीडियो में उसमें। अब इस चीज में हमें कौन से प्रोडक्ट चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें बिल्डर जेल। बिल्डर जेल 2 टाइप्स की होती हैं। जब जेल नेल एक्सटेंशन में हम यूज करते हैं जेल, उसको बिल्डर जेल कहते हैं। एक हार्ड होती है और एक सॉफ्ट। हार्ड थोड़ी हार्ड, सॉफ्ट सॉफ्ट के अकॉर्डिंग ये थोड़ी हार्ड होती है। इसका स्टे भी अच्छा है, इसका सिस्टम भी अच्छा है, ये कंफर्टेबल भी है। सॉफ्ट जेल का स्टे अच्छा नहीं है, है बट 15 to 16 days ओनली, इससे ज़्यादा नहीं होता। बट ये उन कस्टमर क्लाइंट्स के लिए अच्छा है जो कहते हैं हमें थोड़े टाइम के लिए चाहिए नेल एक्सटेंशन, जो हम घर पर ही रिमूव कर पाएं, तो उनके लिए सॉफ्ट जेल अच्छा है। हार्ड जेल की स्टे अच्छा है, वो हमें हमारे पास आना पड़ेगा उनको रिमूव करने के लिए, रिफिलिंग करने के लिए, उसका स्टे भी बहुत अच्छा है। सो मैं यही प्रिपरेशन करूंगी कि प्रिपेयर करूंगी आपको, आप हार्ड जेल ही यूज करो। सॉफ्ट जेल के अकॉर्डिंग हार्ड जेल ज्यादा बेटर है। अपना सेकेंड है जेल ब्रश। ये भी हमें जेल ब्रश, जेल नेल एक्सटेंशन के लिए जेल ब्रश अलग से आता है, वो यूज करना चाहिए, अच्छी कंपनी का यूज करना चाहिए हमें, क्योंकि ये बार बार नहीं लिया जाता, कॉस्टली आते हैं, इसके ब्रिस्टल्स वो खराब हो जाते हैं अगर हम नॉर्मल लोकल कंपनी का यूज करते हैं तो। हमें ये भी अच्छी कंपनी, अच्छे ब्रांड का जेल ब्रश यूज करना चाहिए। थर्ड आता है जेल क्लींजर। हमारी जो बिल्डर जेल होती है, ये हम जब यूज करते हैं इसमें एक चिपचिनाहट होती है, उसको क्लीन करने के लिए जेल क्लींजर, ये एसीटोन फ्री या अल्कोहल ही यूज करना है हमें इसको, चिपचिनाहट को दूर करने के लिए। सो अब उसके बाद अगर हम बिल्डर जेल यूज कर रहे हैं तो यूवी लैम्प तो ऑब्वियसली बात है यूज होगा ही होगा। यूवी लैम्प या एलईडी लैम्प, इन दोनों में से यूज करना है। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, यूवी लैम्प क्या है, एलईडी लैम्प क्या है, इसके लिए कौन सा अच्छा है, कौन से बार्ड का अच्छा है। और फिफ्थ है वफर। वफर और ड्रिल मशीन, इन दोनों में से, वैसे दोनों ही जरूरी है, दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। वफर भी लेना है हमें, ड्रिल मशीन भी लेनी है।
और ये हमारे नेल एक्सटेंशन जेल नेल एक्सटेंशन के प्रोडक्ट्स हैं, बिल्डर जेल, जेल ब्रश, जेल क्लींजर, यूवी लैम्प, वफर, ड्रिल मशीन। ये अब हम आपको प्रोडक्ट शो करेंगे, ये प्रोडक्ट कौन से? ये हैं हमारे प्रोडक्ट्स जेल नेल एक्सटेंशन के लिए जो यूज़ होते हैं, वो हम आपको अब शो करेंगे। ये यूवी लैम्प है जिसको हम ऐसे हैंड डालकर क्योर करते हैं हमारी नेल पेंट्स वगैरह, बिल्डर जेल्स। सबसे पहले ये पॉइंट्स आते हैं, ये मेरा बहुत पुराना यूवी लैम्प है सो इसमें रिमूव हो चुके हैं। ये सबसे पहले वाले पॉइंट 1/20 सेकेंड होता है, इस पर ये ऑटोमेटिक होता है, अपने आप बंद हो जाता है 1/20 सेकेंड आफ्टर। इसके बाद आता है 16 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड। हमें ना नंबर वाइज यूवी लैम्प ही लेना चाहिए ताकि हमें पता चले कितने सेकंड हमने कौन सा काम किया। इसके अगर हम सेकंड इसके नंबर वाइज नहीं लेते तो हमें पता नहीं चलेगा हमने कितने मिनट क्योर करे हैं हमारे हैंड्स को, हमारे पॉलिश, नेल जेल पॉलिश, बिल्डर जेल, एनीवेज जो भी हम यूज़ करते हैं जेल नेल एक्सटेंशन के लिए। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा जेल ब्रश। ये हमारा जेल ब्रश, ये बिल्कुल सॉफ्ट जेल ब्रश है ये हमारा, देख सकते हो आप, बिल्कुल सॉफ्ट ये जेल ब्रश होता है। ये भी हमें अच्छी कंपनी का लेना है, वैसे ये मैंने लोकल कंपनी का लिया बट इसका सिस्टम बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे यूज़ होता है ये। नेक्स्ट ये हमारी जेल आती है, जेल हमें हमेशा अच्छी ब्रांड की यूज़ करनी चाहिए। सबसे अच्छी ब्रांड अगर आपको मिल जाए ग्लैम की, मेरे पास अब ख़त्म हो चुकी है, ग्लैम की या आईबीडी की जेल यूज़ करो, उसका स्ट्रे बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे ये मुझे लोकल मार्केट से मिली है के स्ट्रॉन की, इसका भी स्ट्रे अच्छा है, बहुत अच्छा है इसका स्ट्रे भी। ये सॉफ्ट जेल है, मैं आपको दिखाती हूँ, अब ये ख़त्म हो चुकी है, इस पर हमने बहुत नेल आर्ट करे हैं। ये सॉफ्ट जेल है, मैं आपको इसकी थिकनेस नहीं दिखा सकती, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम वीडियो में नहीं शो कर सकते, हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और ये है हार्ड जेल सील्स ब्रांड की, ये है हार्ड जेल, अगर इसे ऐसे करते हैं तो ये निकलती नहीं, ये हार्ड जेल है। ये भी हमें अच्छी कंपनी की अच्छी ब्रांड की यूज़ करनी चाहिए, हार्ड जेल और सॉफ्ट जेल, जिसका स्टे इसका ज़्यादा स्टे अच्छा है, इसका कम है, बट ये दोनों ही बिल्डर जेल हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा बफर, जैसे कि मैंने आपको बताया था बफर, ये भी हमें यूज़ करना है एमरी बोर्ड बफर जेल नेल एक्सटेंशन में, और ड्रिल मशीन, ये हमारी ड्रिल मशीन है। बाकी अगर आपको ड्रिल मशीन कैसे यूज़ करनी है वो सीखना हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको उसकी सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगी। ये ड्रिल मशीन है, इसमें हम ये है स्ट्रैंड है ड्रिल मशीन का, इसमें हम ऐसे स्ट्रैंड रखते हैं और इसके ये पार्ट्स हैं कुछ जो हम इसमें यूज़ करते हैं और मशीन को चलाते हैं, पार्ट्स को इसमें डालकर ऐसे नील पेंट्स रिमूव करते हैं, नील एक्सटेंशन वगैरह। और नेक्स्ट है हमारा जेल टिप्स, जेल टिप्स कौन सी होती हैं हमारी? सी कट टिप्स, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी, ये हमारी सी कट टिप्स हैं, इसको हम जेल टिप्स कहते हैं। ये देखिए जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हाफ टिप यूज़ होती है, इसको जेल नेल एक्सटेंशन टिप कहते हैं। सो ये हमारे नेल एक्सटेंशन के जेल नेल एक्सटेंशन के प्रोडक्ट हैं, आई होप आपको समझ आ गई हो। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, थैंक यू।